मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के नतीजों का बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। 4 जून को यानी कि कल फाइनल चुनावी नतीजे जारी हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले एग्जिट पोल सामने आने से काफी हद तक मध्य प्रदेश के सियासी भविष्य की तस्वीर साफ नजर आ रही है। इस बीच छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। कमलनाथ का गढ़ कहे जाने वाले छिंदवाड़ा में इस बार कांग्रेस के ऊपर असमंजस के बादल मंडरा रहे हैं। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश की एकमात्र ऐसी सीट है जहां 2019 में कांग्रेस का सांसद चुनाव गया था। अगर एक उपचुनाव को छोड़ दें तो 73 सालों से लगातार इस सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा है। वहीं 44 सालों से नाथ परिवार यहां की सत्ता में है। इस बार छिंदवाड़ा में कांग्रेस ने कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ को मैदान में उतारा है, वहीं बीजेपी ने विवेक बंटी साहू को टिकट दिया है। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर नजर आ रही है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के पूरा जोर लगाया है। एग्जिट पोल के सामने आने के बाद ऐसा लग रहा है कि बीजेपी कमलनाथ के गढ़ को भेदने में सफल हो सकती है। मोदी पोल। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है ब्रदर, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उनका। सर कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सरकार बन रही है सर। सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295।